हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दीपाश किचन तड़का में। तो आज हम बनाएंगे दाल पालक। ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होती है और मैं आपको दाल पालक बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। आप बहुत ही कम समय में, कम मेहनत में टेस्टी और हेल्दी दाल पालक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुकर में डाल देते हैं पालक। पालक मैंने अच्छे से वॉश करके इसे चॉप कर लिया है और पालक यहाँ पर मैंने 300 ग्राम लिया है और 1.5 कप चने का दाल लिया है। और अगर पालक को चने के दाल के साथ बना रहे हैं तो इसकी तो बात ही अलग है। और अब एक प्याज को 2 टुकड़े में काट कर डाल देते हैं और एक टमाटर लिया है। टमाटर को भी ऐसे ही हमें 2 टुकड़े में काट कर डाल देना है और 3 हरी मिर्च को रफली काट कर डाल देते हैं और 5 लहसुन की कलियां डाल देते हैं। और कुछ भी काटने पीटने की जरूरत नहीं है, ये ऐसी ही बहुत टेस्टी बनेगी। और जब दाल पालक बनकर तैयार होगी ना तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगी कि हमने टमाटर और प्याज को ऐसे ही डाला था। और अब यहाँ पर हम डाल देते हैं पानी। यहाँ पर हमने 4 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। पानी हम थोड़ा ज्यादा ही रखेंगे क्योंकि चने की दाल है तो पानी थोड़ा ज्यादा ही लगेगी। और अब हम डाल देते हैं इसमें मसाले। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चुटकी के करीब गरम मसाला, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच के करीब तेल डाल देते हैं, इसलिए कि जो दाल है वो बाहर ना आए। और अब इसका ढक्कन लगाकर इसे हम गैस पर पकने के लिए रख देते हैं। और यहाँ पर हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो अब 6 से 7 सीटी लग चुकी है तो गैस को हम ऑफ कर देते हैं। कुकर का प्रेशर निकल चुकी है तो इसको हम चेक कर लेते हैं और देखिए हमारे दाल कितने खिले खिले से बने हुए हैं। और अब हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो पैन में हम तेल को डाल देंगे। मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है, आप चाहे तो रिफाइंड घी कुछ भी ले सकते हैं। तेल गरम हो चुकी है तो इसमें हम कुछ साबुत लाल मिर्च डाल देते हैं और 1 मिर्च को हम रफली काट कर भी डाल देते हैं। और अब इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं और रफली कटी हुई लहसुन डाल देते हैं। तो तड़के को हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो लहसुन ब्राउन हो चुके हैं, 1/2 चम्मच के करीब हींग डाल देते हैं और 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। इसे डालने से दाल में बहुत अच्छी कलर आएगी। और अब हम तड़के को दाल में ट्रांसफर कर देते हैं। और ये देखिए गर्मा गर्म दाल तड़का बनकर तैयार है।